नमस्कार, मैं हूं अभिषेक गजेंद्र मुन्ना और आप देख रहे हैं द प्राइम भारत। एक किस्सा है कि एक बिहारी सौ पर भारी। ये किस्सा उन सभी जगहों पर फिट बैठती है जब आप इन जगहों पर नज़र दौड़ाएं। ये जगह है माया नगरी मुंबई से लेकर भारत की राजधानी नई दिल्ली तक। कितने अभिनेता, आईएएस, आईपीएस और पत्रकार जो बिहार के हैं और देश में परचम लहरा रहे हैं। तो आज हम बताएंगे आपको इन सभी हस्तियों के बारे में जो भारत के साथ साथ बिहार का भी नाम रोशन कर रहा है। हमारे साथ कैमरामैन ओम रतन के साथ देखिए एक रिपोर्ट। शारदा सिन्हा बिहार की एक लोकप्रिय गायिका हैं। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुलास सुपौल बिहार में हुआ। बिहार हो, झारखंड हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार झारखंड से सटा पश्चिम बंगाल का इलाका हो, बल्कि अब तो देश के हर उस हिस्से में जहां इस इलाके की आबादी बस गई है, छठ का त्यौहार मनाने जाने लगा है। और हर उस इलाके में जहां छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है, वहां अधूरा होता है जब तक बिहार कोकिला शारदा सिन्हा की हस्की आवाज़ में माटी की सौंधापन ना फिजाओं में बिखर जाए। एक तरह से कहा जाए तो आधुनिक दौर में संगीत के मामले में छठ का मतलब शारदा सिन्हा ही है। संजय मिश्रा का जन्म बिहार पटना में एक हिंदू परिवार में सन 1963 में हुआ था। इनके पिता शंभुनाथ मिश्रा जो एक पत्रकार हैं, इन्होंने अपनी शिक्षा वाराणसी से केंद्रीय विद्यालय BHU कैंपस से की। इसके बाद उन्होंने बैचलर की डिग्री पूरे करने के बाद राष्ट्रीय ड्रामा स्कूल में प्रवेश किया। संजय मिश्रा ने अपने पहला अभिनय जो कि एक टेलीविजन धारावाहिक चाणक्य में किया था। इसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी काम करने का मौका मिला। संजय ने लगातार एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में गोलमाल फन अनलिमिटेड और धमाल में काम करने का मौका मिला। इसके अलावा एक और हिट फिल्म प्रेम रतन धन पायो में भी कार्य करने को मिला। संजय मिश्रा ने भारत की पहली POV यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू तकनीक को लेकर बनी हिंदी फिल्म राकोस में मुख्य भूमिका निभाई है। पंकज त्रिपाठी का जन्म बिहार के गोपालगंज जिले के छोटे से शहर बेलसंद में हुआ। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई के साथ खेतीबाड़ी भी की। उन्होंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की और होटल में नौकरी भी की। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो रात में होटल में काम करते थे, उसके बाद सुबह थिएटर करते थे। उन्होंने करीब यह 2 साल तक किया। कॉलेज की राजनीति में भी सक्रिय रहे। दिल्ली में थिएटर करने के बाद पंकज त्रिपाठी मुंबई गए, जहां उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। 2008 में बाहुबली नाम की एक टेलीविज़न सीरीज में काम करने को मौका मिला। इसके बाद 2012 में मुंबई आने के 8 साल बाद उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए ऑडिशन दिया, जो कि 8 घंटे तक चली। इस फिल्म के बाद पंकज त्रिपाठी को खास पहचान मिली। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके पंकज त्रिपाठी दबंग 2, ABCD, एनीबडी कैन डांस, रंगरेज, फुकरे, अनवर का अजब किस्सा, बरेली की बर्फी और वेब सीरीज, चर्चित वेब सीरीज सेक्रेट गेम में नजर आए और जिन्हें दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। श्वेता सिंह का जन्म बिहार के पटना में 21 अगस्त 1977 को हुआ था। श्वेता सिंह तकरीबन 20 सालों से मीडिया से जुड़ी हैं। श्वेता पटना यूनिवर्सिटी से जब स्नातक की पढ़ाई कर रही थी, तभी उन्होंने खुद को मीडिया से जोड़ लिया था। आज तक 2002 में ज्वाइन किया। इससे पहले उन्होंने जी न्यूज़ और सहारा जैसे बड़े न्यूज़ चैनलों में काम किया। इन्हें राजनीति से लेकर खेल, बिजनेस, सिनेमा, हर क्षेत्र में महारत हासिल है। TV न्यूज़ के मामले में श्वेता ऑलराउंडर हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ एंकर, सर्वश्रेष्ठ प्रोड्यूसर और रिपोर्टर का अवार्ड मिल चुका है। श्वेता सिंह आज तक के स्पेशल प्रोग्रामिंग टीम के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। ऊपर वाला देख रहा है वंदे मातरम, आज तक का गांव कनेक्शन, इस टीम की बनाए हुए चुनिंदा कार्यक्रमों में शामिल हैं। नीतू चंद्रा का जन्म 20 जून 1984 को पटना बिहार में हुआ था। नीतू चंद्रा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई नोट्रेडम एकेडमी पटना से पूरी की। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से संपन्न की। नीतू चंद्रा वर्ष 1997 में भारत को वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियन हांगकांग में देश का नाम ऊंचा कर चुकी हैं। उन्हें ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट से सम्मानित किया जा चुका है।
नीतू चंद्रा ने अपने कॉलेज के दिनों में ही पार्ट टाइम मॉडलिंग शुरू कर दी थी। इसके बाद उन्होंने कई जानी मानी कंपनियों के विज्ञापन में नजर आए। नीतू चंद्रा ने हिंदी सिनेमा में कदम अक्षय कुमार स्टारर फिल्म गर्म मसाला में रखा था। इस फिल्म में उन्होंने स्वीटी की भूमिका अदा की थी। इसके बाद उन्होंने तमिल की ओर रुख कर लिया। उनकी पहली तमिल जो कि 2010 में रिलीज हुई थी, जो कि नीतू की करियर के सबसे बड़ी फिल्म और हिट साबित हुई थी। इसके बाद उन्होंने फिर हिंदी सिनेमा में रन से अपनी वापसी की। उसके बाद वह नो प्रॉब्लम, अपार्टमेंट जैसी फिल्मों में नजर आई। वर्ष 2011 में नीतू ने अपने भाई नितिन चंद्रा के साथ मिलकर भोजपुरी फिल्म देशवा निर्देशित की। वर्ष 2015 में वह फिर हिंदी सिनेमा वंस अपॉन टाइम बिहार से निर्देशन की। इसके बाद वह फिल्म निर्माण में उनके भाई नितिन चंद्रा के साथ फिल्मों की कहानी और बिहार की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्में बनाने शुरू कर दी।